right? Okay. ठीक है ओके चलो थैंक यू बाय बाय गुड नाइट ओके ठीक है Thank you. Bye. Good night. Okay. ठीक है तो should I start? Like everyone is ready? चलिए तो हेलो दोस्तों दिस इज शुभम योर वेरीफाइड एंड स्टार एजुकेटर ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म ठीक है और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आपके सामने आया हूँ तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा ये सेशन एंड इन दिस सेशन विल बी एनालाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स तो इंडिया की पेंटिंग के जितने भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे फिर कुछ इस्लामिक पेंटिंग को कवर करेंगे और ये जो पूरा जो सेशन होगा वो एक इवोल्यूशन के रूप में होगा लाइक विल स्टार्ट फ्रॉम द लाइक केव पेंटिंग भीमबेटका की ठीक है फिर मुराल पेंटिंग का जो ट्रेडिशन था इंडिया का दीज थिंग्स विल डिस्कस एंड फाइनली विल कॉन्क्लूड विथ मिनिएचर पेंटिंग्स एंड अदर फोक ट्रेडिशन ऑफ इंडिया पेंटिंग एज वेल ठीक है तो लेट्स स्टार्ट एक घंटे में आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू कवर इंटायर थिंग आज कुछ करते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी उसको हम कवर करेंगे ठीक है इज दैट क्लियर जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड ठीक है चलिए तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास एवरीवन रेडी एम आई ऑडिबल टू एवरीवन सबको सुनाई दे रहा है सबको सुनाई दे रहा है आई एम आस्किंग समथिंग प्लीज कैन यू जस्ट लेट मी नो इन द मैसेंजर बॉक्स In the chat box. ठीक है तो ओके खालिद एंड शौकत शेख राम सुंदर ज्योत्सना सीमा धीरज अमरनाथ मिनेश पांडे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना आवाज में चलिए शुरू करते चलिए तो इंडिया की जो पेंटिंग है उसके बारे में समझेंगे एक बार मैं ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे लेता हूँ थोड़ा सा टेम्पो सेट कर लेते हैं ताकि इंट्रोडक्शन हो जाए एक आइडिया हो जाए ताकि ऐसा ना हो कि एवरी स्लाइड विल बी लाइक कि योर सरप्राइज पैकेज तो सबसे पहले ये कोर्स इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि मुराल पेंटिंग का पूरा जो चैप्टर है जितने भी मुराल ट्रेडिशन रहे उनको हम देखेंगे फिर मुराल के बाद मैं मुराल अगर आपको नहीं पता है तो मुराल भी बताऊंगा इतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है डोंट वरी आई एम हियर फिर मुराल ख़त्म करने के बाद विल स्टडी अबाउट द मिनिएचर पेंटिंग और जितने भी इंडिया में मिनिएचर पेंटिंग्स हैं हम वो सारे पेंटिंग को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे ठीक है थोड़ा सा फैक्चुअल होगा पैनिक मत करना ठीक है और
ये जो चैप्टर होगा उसको फिर से रिवाइज करोगे तो चीज़ें अपने आप दिमाग में सिंक इन हो जाएंगी। एक बार में तो इम्पॉसिबल सा है, मैंने भी ऐसा नहीं है कोई भी इतना बड़ा साइंटिस्ट या बहुत बड़ा इंटेलिजेंट नहीं है इस एग्ज़ाम में, बस हार्डवर्क मैटर करता है। और सबसे खास बात यह है कि मोर एंड मोर टाइम्स यू रिवाइज इट तो वो दिमाग में आपके बैठेगी, एक बार में ऐसा नहीं होगा। तो अगर जो मैं क्लास लूँगा फिर उसके बाद अगर कोई चीज़ आपको याद नहीं आ रही होगी तो टेंशन मत लेना, एंड डोंट थिंक कि यू यू हैव अ लेसर काइंड ऑफ ब्रेन, एंड डोंट कर्स योर जीन्स एंड एनीथिंग, एंड इट विल बी कम्प्लीटली ऑल राइट। इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट, एंड एज यू नो डैट टू अर इज़ ह्यूमन, तो गलतियाँ करना इंसान की फितरत है और उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। तो करेंगे लेकिन सिंसियरली इस पूरे सेशन को देखेंगे और विल मेक इट मोर हैपनिंग, मोर लाइवली। और आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कभी भी, कोई भी दिमाग में कुछ भी, ये मत सोचना कि पता नहीं किस तरीके का क्वेश्चन पूछूं मैं, फिजूल क्वेश्चन हो चाहे अच्छा क्वेश्चन हो, एनीथिंग वॉट एवर पॉप्स अप इन योर माइंड यू कैन, यू आर फ्री टू आस्क, एंड आई एम हियर टू आंसर एंड आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड वॉट एवर द थिंग्स यू आस्क, आई विल बी डेफिनेटली पुट अ लाइक बेस्ट एफर्ट टू क्लैरिफाई थिंग्स। तो चलिए खैर शुरू करते हैं इंडियन पेंटिंग के बारे में, ठीक है। तो एक बार हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में, सॉरी, अगर हम इंडिया की हिस्ट्री के बारे में देखें, पेंटिंग की जो हिस्ट्री है, तो फर्स्ट सेंचुरी BC से ये लगभग पेंटिंग की शुरुआत होती है, ठीक है। और मतलब ये जो पेंटिंग फर्स्ट सेंचुरी BC की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द केव पेंटिंग्स, ठीक है, जो भीमबेटका की और अजंता एलोरा की केव पेंटिंग्स है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो एक प्रॉपर पेंटिंग वाला जो ट्रेडिशन है, ठीक है, जिसमें मिनिएचर पेंटिंग वाला जो ट्रेडिशन है, मैं उस उन पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक दो नाम मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, एक है शादांग, ठीक है। तो शादांग इज सिक्स लिंब ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है, जो छह मेन जो धड़े हैं, जो छह मेन आप आर्म्स कह लो ऑफ इंडियाज आर्ट, उसको शादांग कहते हैं, ठीक है। और जो चित्र सूत्र है, चित्र सूत्र वो रूल्स है जो इन सिक्स ऑर्गन्स ऑफ पेंटिंग्स को डिफाइन करते हैं। तो शादांग इज एक्चुअली सिक्स लिम्ब्स ऑफ इंडियाज पेंटिंग, यानी कि इंडिया की पेंटिंग को छह पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, छह कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो, उसको शादांग कहते हैं, ठीक है। जो कैटेगराइजेशन है जो इंडिया की पेंटिंग को सिक्स पार्ट्स में डिवाइड करता है, डेट इज कॉल्ड शादांग। और इसका डिस्क्रिप्शन कि वॉट आर द रूल्स जिसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन होती है, उसको चित्र सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बस हल्का हल्का याद रखना, शादांग इज रिलेटेड टू पेंटिंग, चित्र सूत्र आर दोज रूल्स विच हेल्प अस टू क्लासिफाई दीज पेंटिंग्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स है, ठीक है, तो जो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स है उसके बारे में देखते हैं। तो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स के बारे में अगर हम देखें, तो जो ये पेंटिंग्स थी, किसी ने पढ़ा है इससे पहले प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स के बारे में, भीमबेटका के बारे में, किसी को आइडिया है थोड़ा बहुत, येट इट्स कंप्लीटली न्यू? ओ अमरजीत सपम, ओके, या आई कैन सी यू, हाउ वाज यू? हाउ आर यू समर जी? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स के बारे में। तो एक प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग का मतलब है दोस पेंटिंग्स जो आदि मानव ने केव्स की दीवारों पे, यानी गुफाओं की दीवारों पे उकेरी थी, उनको हम प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग कहते हैं। और प्री हिस्टोरिक नाम क्यों है, क्योंकि उस समय, सॉरी,
क्योंकि उस टाइम पे जब ये पेंटिंग्स बनी थी तो उस टाइम पे उतना हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन नहीं था, लगभग 10,000, 50,000, 1,00,000 साल पहले की ये पेंटिंग्स हैं, ठीक है, पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, उस जमाने की ये पेंटिंग्स हैं। खैर उतना डिटेल में नहीं जाते क्योंकि उसको ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है, ठीक है। और इनकी बात करें, इन प्रीहिस्टोरिक केव पेंटिंग्स की बात करें, तो भीमबेटका की जो पेंटिंग है कैमूर की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको एक बार कवर करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है जब हम इन पेंटिंग्स की बात करते हैं, पेलियोलिथिक पेंटिंग्स की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात आती है मैन एनिमल्स और ज्योमेट्रिक सिंबल्स को इसमें किस तरीके से रिफ्लेक्ट किया गया है। तो जब इन पेंटिंग्स को आप देखोगे तो बहुत ही सिंपलिस्टिक पेंटिंग्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसा पेंटिंग को लेके हमारा नज़रिया है कि एकदम ऐसे कलर होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, उस तरीके की है नहीं ये पेंटिंग्स। बहुत ही सिंपल, जैसे कि अगर कोई जानवर को दिखाना है तो इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है, सॉरी, कोई जानवर, एक सेकेंड, कोई जानवर को दिखाना है तो इस तरीके से कवर किया, ठीक है, ऐसे सिंपल दिखा दिया। अगर आदमी इंसान को दिखाना है तो ऐसे स्टिक फॉर्म में दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, ठीक है, इस तरीके से इंसान को दिखा दिया। तो दिस इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग, इस तरीके के बहुत ही सिंपलिस्टिक डिज़ाइन में, ठीक है। इसमें आप देखोगे मैन है, एनिमल है, ज्योमेट्रिक सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। ज्योमेट्रिक सिंबल्स मतलब सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, इस तरीके के ज्योमेट्रिक फिगर्स का, कहीं कहीं जगहों पे ट्रायंगल्स का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, और वेवी लाइंस, रेक्टेंगुलर फील्ड, ज्योमेट्रिक डिजाइंस का इस्तेमाल है। फिर दे एक और खास बात ये है, ठीक है, कि ये पेंटिंग्स के बारे में अगर आप देखोगे तो एक चीज बहुत ही खास देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि बहुत ही कलरफुल, कई जगहों पे बहुत ही कलरफुल पेंटिंग्स है। ऐसा नहीं है कि सारी पेंटिंग्स ऐसे वाइट कलर की है, ठीक है, इसमें आपको वाइट कलर भी मिलेगा, येलो, ऑरेंज, रेड ऑकर, पर्पल, ब्राउन, इस तरीके के काफ़ी कलरफुल पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिलती हैं, और जिसमें रेड और वाइट सबसे फेवरेट पेंटिंग्स है, ठीक है। और फिर बात आती है कि ये कलर फिर इंसान को मिलते कैसे थे, कहाँ से, उस समय तो कलर का इन्वेंशन हुआ नहीं था, उतना साइंस डेवलप किया नहीं था, इंक्स नहीं थी, पेन नहीं थी, ब्रशेस नहीं थे, तो ये कलर इंसान बनाता कहाँ था, कैसे था। तो जो केव पेंटिंग्स की ये जो पेंटिंग्स हैं उसके जो कलर है वो अलग अलग रॉक्स को ग्राइंड करके ये कलर बनाए गए, ठीक है। तो जब आप अलग अलग रॉक्स को ग्राइंड करोगे तो उसमें से जो कलर, क्योंकि रॉक्स के अंदर क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे आयरन है तो रेड कलर का होगा, कोई ऐसा मेटल होगा जो लाइमस्टोन है तो वाइट कलर का होगा, तो इस तरीके से अलग अलग कलर मेटल्स को घिस के निकालते थे। अब ऐसा नहीं था, वो प्लांट के पिगमेंट से या फूलों को गला के ये कलर्स नहीं बने, ठीक है। जनरली क्या लगता है हमें कि पुराने लोग थे, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो प्लांट से कोई पत्ती निकाली और उससे कलर निकाला और गुलाब से उबाल दिया और पिंक कलर से ये पेंटिंग्स बना दी, ऐसा नहीं था, वो कलर्स का इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि ये जो कलर्स होते हैं प्लांट और पिगमेंट के जो कलर्स होते हैं दे आर वेरी टेम्परेरी। आप अपने घर की दीवार पे बनाओगे, एक बारिश होगी सब धुल जाएगा। ये पेंटिंग्स तो हजारों सालों से यहाँ पर अभी भी मौजूद है, तो इसलिए ये इसलिए मौजूद है क्योंकि दे वेर प्रोडक्ट्स ऑफ सम मिनरल्स, नॉट सम पिगमेंट, किसी पौधे से, पेड़ पौधे से निकाले हुए पिगमेंट्स नहीं थे, ठीक है। ये कलरफुल जो रॉक्स होती हैं उसके एलिमेंट्स से ये निकाले हुए कलर्स थे, ठीक है। जैसे कि रेड कलर मैंने बताया, हेमेटाइट हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, ठीक है, हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, तो वहां से रेड कलर मिलता था। वाइट कलर आपका लाइमस्टोन से मिलता था, तो इस जगह से इनके थ्रू ये कलर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, ठीक है। और बाकी जितने भी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। और फिर ये बात आती है कि ब्रश किससे बनते थे, तो जो प्लांट के फाइबर से, जो प्लांट के फाइबर्स हैं, ठीक है, उससे ब्रश बनाए जाते थे, ठीक है। आप देखोगे प्लांट के फाइबर से ब्रश बनाए जाते थे, ठीक है। आप जैसे दातून करते हैं, सिंपल सी इस तरीके से याद रखिए, जैसे हम दातून करते हैं, तो उस तरीके से एक साइड ऑफ एक स्टॉक लिया लकड़ी का,
उसको एक साइड से थोड़ा सा क्रश कर दिया और उससे जो उसके फाइबर बने उससे ब्रश बना लिया और उसी को अप्लाई करते थे इन केव्स की दीवारों पे। अब ये बात आती है कि ये कलर्स जो है अभी तक कैसे सस्टेन किए इतने हजारों सालों से। तो ये बात है कि चूंकि जो सब्सटेंस यूज किया गया था एज एन इंक एज अ कलर दैट वॉज डिराइव फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है, दोज कलर्स वेयर डिराइव फ्रॉम मिनरल्स एंड बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स उनका केमिकल रिएक्शन हुआ जो केव्स की दीवारें थी उनके साथ। अब चूंकि केव्स की दीवारें भी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि केव्स की दीवारें जो है वो भी एक तरीके का मिनरल है, तो उस मिनरल पे दूसरे किसी रॉक के मिनरल को आप अप्लाई करोगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से ये कलर जो थे वो परमानेंट वो उसके ऊपर ट्रांसप्लांट हो गए, ठीक है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन की वजह से ये पेंटिंग्स आज भी जिंदा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन केव की पेंटिंग के बारे में। कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि ऐसा नहीं है कि एक दीवार पे एक ही पेंटिंग है, देर आर लेयर्स ऑफ पेंटिंग। भीमबेटका में तो 20 पेंटिंग्स है, एक पेंटिंग के ऊपर एक पेंटिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि आज मेरे परदादा ने उस दीवार पे पेंटिंग करी, ठीक है, फिर 100 साल बाद मैंने उसके ऊपर पेंटिंग करी उसी दीवार के ऊपर, फिर उससे 200 साल बाद मेरे बच्चे बच्चे के बच्चे होंगे वो भी उसी दीवार पे पेंटिंग करेंगे, क्योंकि दसियों चालीसों हजार साल पीरियड का समय था, ठीक है। तो उसमें कितनी सारी जनरेशन आई होंगी, बहुत सारे ट्राइबल्स आए होंगे, कुछ मर गए होंगे, कुछ फिर जिंदा हुए होंगे, अलग अलग ट्राइबल जो कल्चर है वो आता रहा होगा। तो इस वजह से जो भी ट्राइब्स आते थे वो उन दीवारों पे पेंटिंग करते थे, अपने कल्चर को उस पर निकालने की कोशिश करते थे। तो इसलिए देर वॉज अ सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग, देर वर नॉट ओनली वन लेयर ऑफ पेंटिंग, देर वर मेनी लेयर्स ऑफ पेंटिंग इन भीमबेटका केव्स एंड मेनी अदर केव्स एज वेल। भीमबेटका इज नॉट एन एक्सेप्शन कि सिर्फ भीमबेटका पे ही इतनी लेयर ऑफ पेंटिंग्स थी, ऐसा नहीं है। ये लेयर ऑफ पेंटिंग्स बहुत सारी केव्स में देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर हम इन पेंटिंग्स के थीम की बात करें तो इन पेंटिंग्स के अगर हम थीम की बात करते हैं तो सिंबोलिज्म जो इसका है इन पेंटिंग्स का है वो नेचर से इंस्पायर्ड है, कहीं कहीं स्पिरिचुअल भी है। तो ये पेंटिंग्स दो तरीके की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पहली स्पिरिचुअल और दूसरी सेकुलर, ठीक है। एक हो गया आपका स्पिरिचुअल, एक हो गया सेकुलर, ठीक है। दो तरीके से इन पेंटिंग्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो जो स्पिरिचुअल वाला था उसमें जो उनका जिस धर्म पे या जो भी उनका बिलीफ सिस्टम था उससे रिलेटेड पेंटिंग्स स्पिरिचुअल वाले एस्पेक्ट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। और जो सेकुलर पेंटिंग्स है उसमें सेकुलर पेंटिंग्स में अगर आप देखोगे तो उसमें जो डे टू डे लाइफ है जैसे हंटिंग, डांसिंग, एंटरटेनमेंट, कोई शादी किया का कोई सेरेमनी हो, ठीक है, तो इन सब चीजों को सेकुलर जो कैटेगरी है उसमें रखा गया। Is that clear? There are few questions are being asked, so let me take one by one. फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। शौकत शेख is asking what are geometric symbols? तो geometric symbols शौकत शेख जैसा कि मैंने आपको बताया कि simple rectangle, square, circle, ट्रायंगल। अब पेड़ है तो पेड़ को पूरा पेड़ नहीं बनाते थे, सिंपल एक डंडी लगाई उसके ऊपर एक ट्रायंगल रख दिया तो उससे पेड़ बन गया। बचपन में हम क्या करते थे, बचपन में हम इस तरीके की तो पेंटिंग करते थे, ठीक है। फिर इंसान को बनाना है तो उसके सर को गोल बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही मिनिमलिस्टिक पेंटिंग्स को इस तरीके से ज्योमेट्रिक सिंबल्स के थ्रू दिखाने की कोशिश की जाती थी, ठीक है। फिर कोई गाय है तो गाय का मुंह बनाने की जगह पे वहां पे एक ट्रायंगल जैसा बना दिया, ठीक है।
फिर सृष्टि पाटिल का क्वेश्चन है कि सर 6 to 12 क्लास के एनसीईआरटी के नोट्स बनाने जरूरी है या सिर्फ रफली पढ़ना होता है, प्लीज रिप्लाई। तो सृष्टि पाटिल यार एनसीईआरटी तो ऑलरेडी नोट्स है, तो नोट्स के नोट्स क्या बना सकते हैं आप, ठीक है? तो आई डोंट थिंक कि डैट विल बी नेसेसरी। आप एक चीज याद रखो कि उसको उन बुक्स को अच्छे से पढ़ो और उस पे अंडरलाइनिंग अच्छे से करो, कई बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्योंकि नोट्स बनाना तो यार बहुत मुश्किल है, कैसे नोट्स बनाओगे, एनसीईआरटी तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कंसाइज होती है, तो कंसाइज को भी और कंसाइज कर दोगे तो कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो निकल जाती है, ठीक है? तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इस तरीके से आप एनसीईआरटी को ऐसे नोट्स मत बनाइए, एनसीईआरटी को पूरा थॉरो पढ़िए और एनसीईआरटी को एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए, एनसीईआरटी को और ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बस एक फ़ोटो दे देगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। एनसीईआरटी में कोई भी एक रैंडम फ़ोटो दिया हुआ है, ठीक है, उसके नीचे फॉर एग्जाम्पल 2014 में एक क्वेश्चन आया था विष्णु वराह अवतार ईरन, ठीक है, बस फोटो दिया हुआ है उसका, कहीं भी उस पूरे टेक्स्ट में पूरी बुक में कहीं भी और ऐसे रिटन फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है, बस फोटो दिया हुआ है, फोटो के नीचे कैप्शन दिया हुआ, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, कि वराह अवतार विष्णु का कहां पर है। अब आप नोट्स कैसे बनाओगे, आप बताओ इसको कैसे नोट्स बनाओगे, फोटो को कैसे आप नोट्स में फोटो कैसे डालोगे, इज इट क्लियर कि दिस इज नॉट लाइक यू कैन नॉट डू इट, दिस इज सिंपली नॉट पॉसिबल टू मेक नोट्स ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का बस यही है कि यू हैव टू रीड इट मेनी टाइम्स, व्हेन यू रीड इट, व्हेन यू गो थ्रू एनसीईआरटी मेनी टाइम्स, देन ओनली यू कैन हैव अ बेटर कमांड ओवर एनसीईआरटी। यू कैन नॉट जस्ट मेक नोट्स ऑफ एनसीईआरटी, यू कैन मेक नोट्स ऑफ सम अदर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, बट प्लीज फॉर हेवन सेक डोंट गो इनटू द ट्रैप ऑफ मेकिंग नोट्स फॉर एनसीईआरटी, ठीक है? सर नितिन सिंघानिया इज इनफ फॉर आर्ट एंड कल्चर, या नितिन सिंघानिया नो डाउट इज अ वेरी गुड बुक, ठीक है, नितिन सिंघानिया इज नो डाउट अ वेरी गुड बुक, बट फ्यू एनसीईआरटी इज लाइक यू हैव टू कंप्लीट एनसीईआरटी एज वेल, तो यू कैन नॉट इग्नोर एनसीईआरटी। Like Nitin Singhania is a supplement of NCERT, but not supplant. You cannot completely ignore NCERT and just read Nitin Singhania. ठीक है, ठीक है। तो कालिक मगोत्रा का क्वेश्चन है कि इतनी लेयर्स होगी पेंटिंग्स की, तो कैसे पता चलेगा क्या पेंटिंग है, प्लस कैसे पता चलेगा कि कितनी लेयर्स है। ये यार कालिक मगोत्रा, थिंग इज कि ये पूरी स्टडी की जाती है, वो काफ़ी उसकी केमिकल डेटिंग और वो सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है, कार्बन डेटिंग, केमिकल डेटिंग, ये बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। विजिबल आई के थ्रू यू कैन नॉट लाइक डिफ्रेंशिएट। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम कॉमन ऑब्जर्वेशन देखें इन केव्स पेंटिंग की, तो ज्योमेट्रिक पैटर्न का, सॉरी, ज्योमेट्रिक पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आप जैसे ये देखो, अब ये घोड़ा बनाया गया है, तो ये घोड़ा कैसे बनाया है, एक ट्रायंगल को इस तरीके से लिया, फिर एक ट्रायंगल को इस तरीके से लिया, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे आदमी कर दिया, आदमी के ऐसे दो पैर दिखा दिए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी आंखें दिखा दी, यहाँ पे ऐसे कान बना दिए, तो ये ज्योमेट्रिक पैटर्न हो गया, इससे सिंपलिस्टिक डिजाइन हो गई, इससे ऐसे ऐसे चार पैर दिखा दिए, ठीक है, ये बन गया घोड़ा, तो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक पैटर्न। फिर जैसा कि मैंने बताया था कि सेकुलर इमेजेस का इस्तेमाल था और स्पिरिचुअल इमेजेस भी थी, तो सेकुलर इमेजेस में आपको हंटिंग सीन्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी और सोशल लाइफ ऑफ द पीपल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आप उसके अलावा आप देखोगे तो पेड़ पौधे के फोटोज हैं, इंसानों के फोटो हैं, कुछ मिथिकल क्रिएचर्स भी हैं। मिथिकल क्रिएचर मतलब ऐसे क्रिएचर्स जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं देखते हैं, जैसे यूनिकॉर्न बुल हो गया, ठीक है, एक ऐसा मान लो कि शेर का फोटो हो
जिसके पैर हाथी जैसे हों, तो वो दोज फोटोज आर दोज एनिमल्स आर इमेजिनरी, तो सच एनिमल्स आर कंसिडर एज मिथिकल क्रिएचर्स, फिर कार चैरियट्स भी आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली मोटा मोटा यही है, इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स और स्पिरिचुअल फिगर्स दो अलग अलग है, सेकुलर भी इस्तेमाल किया गया है, और सेकुलर में आपके हंटिंग सीन्स और सोशल लाइफ, डांस, इंटरटेनमेंट, शादी का सीन, और स्पिरिचुअल में आपको रिलीजियस थोड़ा बहुत वर्शिप और ये सब की चीज़ें देखने को मिलती है इन केव पेंटिंग। ठीक है, अब बात आती है कि इन पेंटिंग से हम क्या सीख सकते हैं। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मेंस में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है इन केव पेंटिंग है, तो मेरे पास थोड़ा सा मसाला होना चाहिए चीज़ों को कंक्लूड करने के लिए। तो कई बार क्योंकि मेंस में ऐसा पूछता है कि ये केव पेंटिंग्स हमें क्या सिखाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि उस समय कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, कोई किताबें नहीं थी उस समय की चीज़ों को जानने के लिए, कि हमारे 10,000 आज से 10,000-20,000 साल पहले हम इंसान क्या कर रहा था, कोई बुक नहीं थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। तो ये जो पेंटिंग्स है ये हमें एक अवसर प्रदान करती है, एक हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम पीछे झांक कर देख सकें, हम ये झांक कर देख सकें कि हमारे जो फोर फादर्स थे, जो पूर्वज थे, जो आदि मानव थे, वो क्या लाइफस्टाइल जीते थे, कैसे उनका क्या रहन सहन था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, ठीक है, पहनावा कैसा था, खान पान कैसा था। तो ये चीजें हम उन पेंटिंग्स के थ्रू, तो लाइक इट इज लाइक आप यू कैन रेट्रोस्पेक्ट, ठीक है, एक ऐसी दूरबीन है ये पेंटिंग जिससे आप पीछे पलट के देख सकते हो और देख सकते हो कि इतने हजारों साल पहले इंसान क्या कर रहा था। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन किस तरीके से हुआ, हम कैसे कैसे आगे बढ़ते गए और आज iPhone 10 पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये चीज पहिए से लेके और सैटेलाइट तक का सफर इंसान ने कैसे वो किया, कैसे चेंजेस आए, ये हमें जानने का मौका देती है ये पेंटिंग। ठीक है, तो यू कैन से दे आर द रिपोजिटरी ऑफ आवर पास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जॉनर्स ऑफ इंडियाज पेंटिंग की अगर हम बात करें, अगर हम कैटेगराइजेशन देखें कि इंडिया की पेंटिंग को अगर कैटेगराइज करना हो दो मेजर कैटेगरीज में, तो दो मेजर कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है, एक हो गया मुराल पेंटिंग, एक हो गया मिनिएचर पेंटिंग। तो मुराल पेंटिंग्स आर दोज पेंटिंग्स जिनको दीवारों पे बनाया जाता है। ठीक है, दीवारों पे बनाए जाने वाली पेंटिंग को मुराल पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा अजंता की पेंटिंग्स जो हैं, एलोरा की पेंटिंग्स हैं, चोला मुराल है, मुराल भी मैं आगे डिटेल में बताऊँगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए मुराल का मतलब है वो पेंटिंग्स जिनको दीवारों पे बनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो पेंटिंग्स दीवारों पे बनती है वो काफ़ी बड़े साइज की होगी। ठीक है, एकदम काफ़ी आप देख सकते हैं, ये अजंता की पेंटिंग है जिसमें पद्म पानी करके एक बोधिसत्व है, उनकी मूर्ति को, उनकी जो फोटो है उसको पेंटिंग के थ्रू अजंता की दीवारों पे मुराल पेंटिंग के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है। इनके ऊपर क्वेश्चन भी आया था अभी 2018 के प्रीलिम्स में या 17 के, आई डोंट रिमेम्बर। तो लाइक ही इज़ होल्डिंग अ लोटस, ही इज़ होल्डिंग अ लोटस इन हिज हैंड, और ये पद्म पानी की पेंटिंग है। पद्म पानी इज ऑफ अ बोधिसत्व अलोकितेश्वर। ठीक है, और अवलोकितेश्वर वॉज द सिंबल ऑफ कंपैशन। तो ये सारे बोधिसत्वस को मैंने कवर किया है, आप मेरी प्रोफाइल पे जरूर जाना आफ्टर फिनिशिंग दिस सेशन, एक काम जरूर करना, मेरी प्रोफाइल पे जाना अनअकैडमी की ऐप पे जाके, यू जस्ट टाइप माय नेम, आप वहाँ से मेरी प्रोफाइल दिखेगी एंड शुभम सिंह, वहाँ पे जाना और आर्ट एंड कल्चर के 3-4 कोर्सेज चल रहे हैं तो वो सारे जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोंट फॉरगेट, दोज कोर्सेज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नॉलेज इनहेंसिंग, और बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैंने उसको कवर किया। ठीक है, जनरली आर्ट और कल्चर बहुत ही बोरिंग लोग मानते हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर बोरिंग नहीं है, इट्स अनलाइक एन एक्वायर्ड टेस्ट, इट टेक्स टाइम टू लाइक, इट्स नॉट लाइक आइटम सॉन्ग कि आप देखे और यू स्टार्ट लाइकिंग इट, इट इज अ क्लासिकल थिंग एंड इट्स इट टेक्स टाइम। तो खैर, तो आप देखोगे जैसा मैं मुराल के बारे में बात करता था, अजंता में और एलोरा की केव्स में आपको ये मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। फिर दूसरी कैटेगरी है मिनिएचर पेंटिंग की।
तो मिनिएचर पेंटिंग्स, जैसे कि मुराल पेंटिंग को दीवारों पे बनाया जाता है, मिनिएचर पेंटिंग्स को पेपर पे, कपड़ों के ऊपर, समझ रहे हैं, पेपर पे कपड़ों के ऊपर ऐसे बनाई जाती है ये मिनिएचर पेंटिंग्स, ठीक है। इसको चाहे आप चाहो तो एल्बम में भी रख सकते हो, एक बड़ा सा एल्बम हो और उसके अंदर आप ये मिनिएचर पेंटिंग्स को रख सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका मुराल पेंटिंग में और मिनिएचर पेंटिंग्स में। चलिए, तो अब बात आती है मुराल पेंटिंग को कवर करते हैं पहले। तो आज के सेशन में मुराल पेंटिंग हम देखेंगे और फिर उसके बाद जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा देन विल गो फॉरवर्ड टूवर्ड्स मिनिएचर पेंटिंग। तो एक और सेशन की ज़रूरत पड़ेगी मुराल को ख़त्म करके फिर मिनिएचर को शुरू करने के लिए, ठीक है। तो मुराल की, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि मुराल पेंटिंग्स दीवारों पे बनाई जाती है, तो ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, इट्स अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर इट्सेल्फ। जैसे कि कभी भी आप घर बनाते हो तो घर का मतलब, या कोई बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग का मतलब सिर्फ खंभे दीवारें यही नहीं होती, उस बिल्डिंग कंप्लीट तब होती है जब उसको आप डेकोरेट करके सुंदर से सजाते हो। तो मुराल पेंटिंग एक तरीके से डेकोरेटिव एलिमेंट का भी काम करती थी, ठीक है। तो सजावट के कामों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो वी कैन से डैट कि दे आर पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर इट्सेल्फ, ठीक है। तो मुराल पेंटिंग इज अ हाइब्रिड ऑफ आर्ट एज वेल एज आर्किटेक्चर। और जनरली आप मुराल पेंटिंग के बारे में देखोगे तो मुराल पेंटिंग आपको थ्री डायमेंशनल दिखाई देती है। अब किसी भी चीज को थ्री डायमेंशनल कैसे दिखाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है, दिस इज पेन। अब ये 2D में है, अब इसको 3D में दिखाना है, तो 3D में कैसे दिखाएंगे? जब हम इसको, इसके एजेस को फैलाएंगे, थोड़ा सा चौड़ा करेंगे, ठीक है, फिर इसकी एक शेडिंग थोड़ी सी कर देंगे, शेड, जैसे कोई भी 3D ऑब्जेक्ट होता है तो उसका शेड गिरता है ना पीछे की तरफ, तो जब हम उसकी शेडिंग कर दें तब कोई ऑब्जेक्ट जाके 3D बन जाता है। सिर्फ सिंपल लाइन बना देने से कोई भी ऑब्जेक्ट 3D नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये इस तरीके से मान लीजिए कि एक सर्कल है, सॉरी ये सर्कल है, अभी मैं इसकी शेड बना दूं, ठीक है, शेड ऐसे बना दूं और इसका दिखा दूं कि ऐसे शेड गिर रहा है, इधर इधर सूरज है या लाइट का सोर्स है, तो ये बन गया 3D ऑब्जेक्ट। तो सेम वे 3D कभी भी, आगे जब भी मैं बताऊंगा कि 3D पेंटिंग है या 2D पेंटिंग है, तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखना कि 3D पेंटिंग में शेडिंग का इस्तेमाल होता है, शेड्स बनाए जाते हैं, उसकी परछाई को बनाने की कोशिश की जाती है, डार्कनेस, पीछे उस इमेज के पीछे का जो डार्क एरिया है उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जाती है, तब जाके कोई पेंटिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट 3D में हमें दिखाई देता है, ठीक है। और जो भी पेंटिंग सिर्फ शेड के बिना होगी वो ऑलवेज 2D होगी। तो जैसे जैसे ये पूरा सेशन जब हम खत्म कर लेंगे तो हमें ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। और मुराल पेंटिंग को, जैसे मैंने बताया था कि इन ड्राई दीवारों पे इस्तेमाल होता था मुराल पेंटिंग का, ठीक है, जो सूखी दीवार है उसके ऊपर सिंपल, मतलब कई साल पहले कोई दीवार बन चुकी है, अभी ऐसा नहीं है कि अभी वेट प्लास्टर इस्तेमाल है उसके ऊपर पेंटिंग बना दी, सूखी दीवार है, सूखी दीवार दीवार के ऊपर आपने एक पेस्ट लिया कलर का, उससे आपने पेंटिंग बना दी, ठीक है, तो डेट इज़ कॉल्ड मुराल पेंटिंग। एक और पेंटिंग होती है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, सॉरी। तो ये जो मुराल पेंटिंग्स की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो 2nd century BC से शुरुआत हुई, अजंता की जो पेंटिंग्स से, सबसे पुरानी जो मुराल पेंटिंग्स है वो अजंता की पेंटिंग्स ही हैं। इफ़ वी आर नॉट कंसिडरिंग दोज केव पेंटिंग इन इट, क्योंकि केव पेंटिंग भी एक तरीके से मुराल पेंटिंग ही है, क्योंकि उसका भी इस्तेमाल दीवारों पे ही होता है, लेकिन उसको एक अलग कैटेगरी केव पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम प्रॉपर मुराल पेंटिंग की बात करें तो अजंता सबसे पुरानी मुराल पेंटिंग है, ठीक है।
ठीक है, और वो सेकेंड सेंचुरी बीसी इतनी पुरानी पेंटिंग से, ठीक है। तो इन मुराल पेंटिंग के अजंता के अलावा कुछ और एग्जांपल हैं, अजंता, सॉरी यार ये स्लाइड, अजंता हो गया आपका, बाग हो गया, सितवंसाल केव्स, अरनमलाई केव्स, कैलाश टेम्पल जो है, यहाँ पे इन मुराल पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया। मैं वैसे एक एक करके सब चीज बताऊंगा, ज्यादा आप परेशान मत होना, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं अजंता पेंटिंग्स के बारे में। तो अजंता पेंटिंग्स, जैसा मैंने बताया था कि अजंता पेंटिंग्स आर द फाइनेस्ट सर्वाइविंग एग्जांपल्स, ठीक है। टाइम खत्म हो रहा है क्या? खैर एनीवेज, तो अजंता पेंटिंग्स, जैसे कि मैंने बताया था कि अजंता पेंटिंग आर द बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट, ठीक है, जिन्होंने इंडियन आर्ट को, सॉरी अजंता पेंटिंग जो है ये बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। तो आप अजंता में जितनी भी पेंटिंग्स देखोगे वो बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड पेंटिंग्स देखोगे, ठीक है। सेम वे आप एलोरा की बात करेंगे तो एलोरा में आपको बुद्धिज्म भी मिलेगा, आपको जैनिज्म भी मिलेगा, आपको हिंदुइज्म की भी पेंटिंग्स मिलेगी। लेकिन अजंता के साथ ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है कि अजंता में लगभग लगभग सारी पेंटिंग्स बुद्धिज़्म रिलीजन से या सेक्ट से बिलोंग करती है। एक और ख़ास बात होती है फ्रेस्कोज में और मुराल्स में, फ्रेस्कोज और मुराल दोनों ही दीवारों पे बनाए जाते हैं। फ्रेस्को पेंटिंग और मुराल पेंटिंग दोनों ही दीवारों पे बनाई जाती है, लेकिन फ्रेस्कोज के साथ सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फ्रेस्कोज उस दीवार पे बनाया जाता है जहां पे प्लास्टर अभी गीला है, समझ रहे हैं? गीले प्लास्टर पे बनाई जाने वाले पेंटिंग को फ्रेस्को कहते हैं। तो इससे क्या होता है, गीले प्लास्टर पे पेंटिंग बनाने से क्या होता है कि जब सोचिए सीमेंट अभी गीला है, उसके ऊपर आपने कलर से पेंटिंग बना दी, तो जब वो प्लास्टर सूखेगा तो वो पेंटिंग भी उसके साथ परमानेंटली उसके ऊपर ट्रांसप्लांट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुराल जो पेंटिंग्स होती है, जो अजंता की पेंटिंग्स है, वो फ्रेस्कोज नहीं है, दे आर मुराल, दे वर मेड ऑन ड्राई सरफेस। अब अजंता तो केव है, केव यानी कि पत्थर, पत्थर के ऊपर गीले प्लास्टर का कोई कंसेप्ट नहीं हो सकता, समझ रहे? पत्थर तो पत्थर है, उस पर वो गीला क्या, क्या सूखा क्या, गीली चट्टान तो कुछ होती नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर की दीवार पे बनाए, अगर आपका घर अभी नया नया बनाए और गीले के साथ ही आपने उसके ऊपर कुछ चित्रकारी कर दी अपने पापा की परमिशन से, तो डेट इज कॉल्ड फ्रेस्को पेंटिंग, ठीक है। और सूखी दीवार पे अगर जब पेंटिंग होती है तो डेट इज कॉल्ड मुराल। तो जनरली आप जितने भी देखोगे केव में जो भी पेंटिंग्स होगी वो हमेशा मुराल पेंटिंग ही होगी, क्योंकि उसमें तो गीला प्लास्टर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है केव्स में। तो अजंता हो गया, एलोरा हो गया, ये सारी पेंटिंग्स जो है मुराल ट्रेडिशन के अंदर आती है। फ्रेस्कोस पेंटिंग इंडिया में बहुत कम आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो मुराल, फिर ये सवाल आता है कि फिर मुराल पेंटिंग कैसे चिपकेगी कैसे, तो उसके साथ जो पेंट होता है उसके साथ कुछ एडहेसिव और कुछ चिपकने वाली चीज़ें भी उसके साथ मिक्स करते हैं ताकि वो उसके साथ परमानेंटली ट्रांसफर हो सके, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ रहा चलिए तो ये समझ में आगे के पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो कुछ जो फेमस पेंटिंग्स हैं
अजंता की, वो देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये पद्म पानी की मूर्ति, इसके ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पद्म पानी की पेंटिंग ये आपकी अजंता में है, ठीक है। ही इज़ अ बोधिसत्वा, और बोधिसत्वा के ऊपर मैंने कोर्सेज बना रखे हैं कि व्हाट आर बोधिसत्वास और क्या मीनिंग है बोधिसत्वा की और किनको बोधिसत्वा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर करी हुई है, तो मेरी प्रोफाइल पे जाना और ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। खैर एनीवेज, तो इस पेंटिंग के बारे में फोकस करते हैं। तो ये पद्म पानी की पेंटिंग है, पद्म पानी को अवलोकितेश्वर भी कहते हैं, ठीक है। और अवलोकितेश्वर सिंबलाइजेस कंपैशन ऑफ बुद्धा, ठीक है। जो बुद्धा का करुणा थी, बुद्धा की करुणा और उनका जो इम्पैथेटिक जो नेचर था उसको सिंबलाइज करते हैं ये अवलोकितेश्वर या पद्म पानी। फिर इसके साथ ही आपको वज्रपानी की भी शेडो में आपको मूर्ति देखने को मिलेगी, ठीक है। इस इमेज के बगल में वज्रपानी की भी मूर्ति देखने को मिलेगी। तो वज्रपानी वॉज ऑल्सो अ बोधिसत्वा एंड वज्रपानी सिंबलाइजेज पावर ऑफ बुद्धा। वज्रपानी इज सिंबलाइजेज पावर ऑफ बुद्धा और बोधिसत्वा ऑफ थंडर। वज्र का मतलब होता है थंडर, ठीक है। जो बिजली गिरती है उसको वज्र कहते हैं, ठीक है। तो उनके हाथ में आपको वज्र दिखाई देगा, यानी कि ऐसे बिजली की चिंगारी पकड़े हुए वो बोधिसत्वा दिखाई देंगे। जैसे इनके हाथ में कमल दिखाई देगा, वैसे उनके हाथ में वज्र दिखाई देगा, ठीक है। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, इसके ऊपर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए आर्ट एंड कल्चर के साथ क्या बात है कि एनसीईआरटी में जितनी भी इमेजेस दी हैं, ठीक है, फोटोज जो दिए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी में जितने भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड फोटोज हैं, ठीक है, चाहे वो कोई मूर्ति का फोटो हो, वो एकदम याद होना चाहिए आपको। और वो भी ऐसे फोटोज जिससे कोई स्टोरी रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है। कोई ऐसा फोटो जो कोई स्टोरी या कोई एक हिस्टोरिकल इवेंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग इवेंट्स को रिफ्लेक्ट करने वाली फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि जो मारा विजय पेंटिंग है, ये बुद्धा की पेंटिंग है आपकी अजंता में, और ये जो पोजीशन है बुद्धा की, ये जो बुद्धा की पोजीशन है इसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं, जिसमें बुद्धा ऐसे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और उन्होंने धरती को ऐसे टच कर रखा है, यानी कि धरती की कसम खा रहे हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा इसको कहते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस पेंटिंग के पीछे। पहली बात क्या हुआ कि जब बुद्धा तपस्या कर रहे थे, ठीक है, तो जब बुद्धा तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे, तो हुआ यूं कि मारा आई, मारा वॉज डिजायर, ठीक है, तो वो आई और उसने कोशिश की बुद्ध की तपस्या को भंग करने की। जैसा सेम स्टोरी विश्वामित्र और मेनका की जो कहानी है, जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तो मेनका आई और उनको सेड्यूस करने लगी, सेम वे मारा आई और मारा बुद्धा को सेड्यूस करने लगी, क्योंकि मारा का यही था कि बुद्धा सेड्यूस हो जाएं और उनकी तपस्या को भंग कर दें। तो उस समय बुद्ध ने क्या किया कि बुद्ध ने अपने धरती की को मतलब साक्षी मान के, ठीक है, साक्षी माना और माया का जो इल्यूजन था उसको अपने दिमाग से दूर किया, ठीक है। तो धरती को साक्षी मान के, धरती की कसम खा के, उस माया ने जो मारा ने जो इल्यूजन क्रिएट किया, जो डिजायर और जिसको कहते हैं जो लस्ट पैदा किया बुद्ध के दिमाग में, ताकि वो अपनी तपस्या से विचलित हो जाए, अपनी तपस्या से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो उस समय बुद्ध ने धरती की कसम खाई और अपने दिमाग को फिर से वापस डिस्ट्रैक्ट होने से बचा के वापस मेडिटेशन में लगाया। तो इस पूरे इंसिडेंस को भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं, ठीक है, और इस पेंटिंग को मारा विजय पेंटिंग भी कहा जाता है। ये मारा विजय इंसिडेंस है, और इस पोजीशन को जिसमें ये बुद्धा बैठे हुए, आपको बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां मिलेंगी ऐसे जमीन को टच करते हुए,
इसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। आपको स्कल्पटिंग भी सेम अजंता में ही आपको इस तरीके की मूर्तियां भी मिलेगी, उसमें भी देखिए बुद्ध ऐसे जमीन को टच करते हुए बैठे हुए हैं और आसपास उनके मारा और उसकी जो भी आर्मी है, मारा अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ आई थी कि आज तो बुद्ध को मैं सेड्यूस करके ही रहूंगी, लेकिन समहाउ बुद्धा वॉज लाइक अनशेकेबल एंड ही मैनेज टू कॉन्सेंट्रेट हिज लाइक हिज मेडिटेशन टूवर्ड्स द थिंग विच ही वॉज इंटेंडेड rather than getting distracted and swayed away by the jolt of emotions created by Mara. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोरा की मुरल्स के बारे में देखते हैं। तो एलोरा की मुरल्स के बारे में बस इतना याद रखिए कि इसमें आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों से रिलेटेड मुरल पेंटिंग्स देखने को मिलेगी एलोरा में। बुद्धिज्म में अजंता में जैसा कि मैंने बताया आपको सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड पेंटिंग्स मिलेगी, एलोरा में आपको इन तीनों धर्मों से रिलेटेड पेंटिंग मिलेगी। इतना ही काम की नॉलेज है इसके बारे में। फिर आती है बादामी की मुराल पेंटिंग्स। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मुराल पेंटिंग है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो बादामी की मुराल पेंटिंग है वो बादामी चालुक्या जो किंग्स थे, चालुक्यों की जो डायनास्टी थी उनकी उनकी ये राजधानी मानी जाती थी बादामी, वहाँ पे भी आपको मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलती है। ठीक है, और जनरली जितनी भी पेंटिंग्स मिलेगी वो वैष्णवा सेक्ट से बिलोंग करती हुई मिलेगी। ठीक है, और ये जो बादामी की पेंटिंग्स है, तो ये जो बादामी की पेंटिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अजंता की पेंटिंग से। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में। ठीक है, फिर जनरली आप देखोगे कि जो पेंटिंग्स है वो विष्णु से रिलेटेड पेंटिंग दिखेगी, यानी हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस पेंटिंग है बादामी की, ना कि बुद्धिज्म से। ठीक है, तो बादामी पेंटिंग के बारे में कुछ चीजें याद रखने वाली हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि टाइमलाइन पता होना चाहिए कि अजंता पेंटिंग के बाद बादामी की पेंटिंग आई थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसके साथ कंफ्यूज मत करना। और दूसरी चीज़ ये याद रखने वाली है कि बादामी पेंटिंग को पैटर्नाइज किया था चालुक्य किंग्स ने। ठीक है, तो जो चालुक्य राजा थे उन्होंने पैटर्नाइज किया था, और ये कर्नाटक रीजन में बादामी ये राजधानी है चालुक्य राजाओं की। और जितनी भी पेंटिंग्स हैं बादामी की वो हिंदुइज्म रिलीजन से और स्पेसिफिकली वैष्णवाइट सेक्ट से बिलोंग करती है। जैसा कि आप जानते हैं तीन अलग अलग सेक्ट होते हैं, वैष्णवाइट सेक्ट जो विष्णु की पूजा करते हैं, शैवाइट सेक्ट जो शिव की पूजा करते हैं, और शक्ति सेक्ट यानी कि जो दुर्गा की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो विष्णु, कृष्ण और विष्णु के जितने भी अवतार हैं उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, और अजंता का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बादामी पेंटिंग्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुराल्स अंडर पल्लवा पांडवाज एंड चोला किंग्स। ठीक है, तो जब हम बात करें मुराल्स की, तो जो पल्लव राजा थे, पांडव किंग थे और चोला किंग्स, तो उनके डायनेस्टी के समय पे क्या मुराल पेंटिंग्स थी इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो पल्लवा डायनेस्टी हो गई, आप ये सॉरी डायग्राम में आप देख सकते हो कि पल्लवा डायनेस्टी यहाँ पे थी, फिर आप चालुक्य देख सकते हो, चोलाज यहाँ पे राज करते थे। तो लगभग जो साउथ इंडिया का एरिया है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वाला, उसमें ही ये पल्लवा पांड्या और चोला किंग्स राज किया करते थे। अब पल्लवाज की जो पेंटिंग्स है उसके बारे में देख लेते हैं। लगभग 7th century के समय की ये पेंटिंग्स है। ठीक है, और पल्लव जो किंग्स थे, स्पेशल अगर आप जानते हैं तो महाबलेश्वर के जो रथ टेम्पल हैं उनको पल्लव राजाओं ने बनवाए थे। तो पल्लवाज ने ये पेंटिंग्स भी बनाई थी, मुराल पेंटिंग्स। तो आप देखोगे अगर इसके टाइम की बात करें मुराल पेंटिंग्स की, तो 7th century के समय की ये पेंटिंग्स है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स की अगर बात करें, थीम्स की बात करें, ठीक है, तो विचित्र चित्र की मूर्ति जो पेंटिंग है वो भी यहाँ पे है। विचित्र चित्र का मतलब है क्यूरियस माइंड। ठीक है, फिर चित्रकारी और चित्रकारपुली,
ये कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं जो पल्लवा पीरियड से बिलोंग करती हैं, ठीक है। फिर पांड्यास पेंटिंग की बात आती है, तो पांड्या पेंटिंग के बारे में ये याद रखना कि जो 57 साल की केव्स हैं वहाँ पे आपको ये पांड्या राजाओं के समय की पेंटिंग्स देखने को मिलती है, और ये जैनिज्म से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि 57 साल इज रिलेटेड टू जैनिज्म, ठीक है। और आपको यहाँ पे बहुत सारी जैनिज्म रिलीजन से और जैनिज्म तीर्थंकरों की पेंटिंग्स, मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। सितन वसाल, ये नाम याद रखना, जैनिज्म पेंटिंग्स, जैनिज्म धर्म से रिलेटेड पेंटिंग्स आपको सितन वसाल में मिलेगी, और ये पांड्या पीरियड से बिलोंग करती है। और एनसीईआरटी में चूंकि ये मेंशन है, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सारी मैं एनसीईआरटी से ही बता रहा हूँ, तो बहुत कोई भी चीज़ मिस मत करना, ठीक है, और अच्छे से इसको ध्यान से याद रखना। चलिए अब चोला मुराल के बारे में भी देख लेते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितना भी अभी तक मैंने बताया पांड्यास पल्लवास और इनके बीच में, तो चोला मुराल बहुत ही फेमस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम टाइम की बात करें चोला डायनेस्टी के, तो 9th to 13th century के समय की पेंटिंग सही है, ठीक है। यानी पल्लवों के बाद, यानी जब पल्लवास पेंटिंग थी उसके बाद की ये पेंटिंग्स। 11th century में चोला किंग्स राज करने आए, और दो फेमस राजा थे, राजा चोला और राजेंद्र चोला, ठीक है। तो उन चोल किंग्स ने ये पेंटिंग्स जो है पैटर्नाइज करी थी, और उनके पैसे से, उनके सपोर्ट से ही ये पेंटिंग्स बनी थी, और जो ये पेंटिंग्स बनी थी उसको हम चोला पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं। और स्पेशली जब आप बृहदेश्वरा टेम्पल जाओगे तंजावर में, ठीक है, तो बृहदेश्वरा टेम्पल जिसको राजेंद्र चोला ने बनवाया था, बृहदेश्वरा टेम्पल एक द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है, वो वहाँ पर जाओगे तो आपको ये सारी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। तो ये नाम याद रखना, बृहदेश्वरा टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जहाँ पे मुराल पेंटिंग्स, चोल राजाओं की, चोल पीरियड की मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा। टर्निंग माइंड्स, इज दिस क्लास फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, व्हाट यू एक्सपेक्ट। शेफाली गरेवाल, ओके नो, शी इज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन। क्या बात है वाह, अभिनव आर्या सेट, क्या बात है वाह, मे नो द कॉन्टेक्स्ट, खैर एनीवेज। और गणेश भोंडेकर का क्वेश्चन है, व्हाट इज वैष्णवा। तो वैष्णवा आई थिंक आई हैव टोल्ड यू कि दोज इंडिविजुअल, दोज वर्शिपर्स हु फॉलो विष्णु एंड ऑल दोज इनकारनेशन ऑफ विष्णु इंक्लूडिंग कृष्णा, दैट इज कॉल्ड वैष्णवा, ठीक है। वैसे ही शिव की पूजा करने वाले उनको शैव कहते हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ें, सबको समझ में आ रहा है, किसी के साथ कोई इश्यू तो नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। बोर तो नहीं हो रहे, बोर हो रहे हो तो बता दो भाई। इफ पीपल आर गेटिंग बोर्ड देन, वैसे भी ज्यादा कुछ बचा नहीं है, चोला पेंटिंग्स खत्म करेंगे और विजयनगर मुराल देख लेंगे, और नायका मुराल, केला मुराल। तो एक काम करते हैं, आज इसके अलावा, चोला मुराल के अलावा विजयनगर मुराल्स देख लेते हैं, और आज का सेशन इतने पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, देखिए दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी एंड आल्सो फॉर स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन,
ठीक है, तो जितनी भी स्टेट सर्विसेज है, यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, कर्नाटका, एनीथिंग, तो उन स्टेट सर्विसेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो इन दो स्पेसिफिकली इसके लिए ही अगर आप देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, खैर चोला मुरैल के बारे में मैंने कुछ बताया, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि चोला मुरैल स्पेसिफिकली जो बृहदेश्वरा टेम्पल है वहाँ पे आपको ये मुरैल पेंटिंग्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो बृहदेश्वरा टेम्पल जैसा कि आप जानते हैं, बृहदेश्वरा टेम्पल वॉज बिल्ट बाई चोला किंग्स और ये तंजावर में मौजूद है। और जनरली जितनी भी आप पेंटिंग्स देखोगे इस समय की, तो आपको शिव की पेंटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो चोला राजा थे, जो चोल किंग्स थे, वो शिव के उपासक थे, वो शैवाइट सेक्ट से बिलोंग करते थे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे नटराज की मूर्ति, नटराज की पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी चोला मुरैल से रिलेटेड है। तो चोला मुरैल के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हो। पहला तो ये है कि ये मुरैल पेंटिंग थी, उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा याद रख लेना, फिर टाइम पीरियड याद रखने के बाद आप ये राजा चोला और राजेंद्र चोला के बारे में आप देख लेना कि इन्होंने बनवाया था। तंजावर के बृहदेश्वरा टेम्पल में ये मौजूद है। ठीक है, तंजावर के बृहदेश्वरा टेम्पल में ये पूरे सारी चीज़ें मौजूद हैं। चलिए, फिर बात आती है विजयनगर मुरैल्स की। तो विजयनगर मुरैल्स की बात करें, ठीक है, तो पहले तो विजयनगर एम्पायर के बारे में देख लेते हैं। विजयनगर एम्पायर इधर इधर नीचे के साइड साउथ इंडिया में था, ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है उस रीजन में। ठीक है, और चोला डायनेस्टी के बाद विजयनगर एम्पायर आई थी, ये याद रखना टाइम पीरियड। ठीक है, तो चोला डायनेस्टी जब ख़त्म हुई तो उसके बाद 13th सेंचुरी में विजयनगर की डायनेस्टी शुरू हुई, और जो इसकी कैपिटल थी विजयनगर की वो हम्पी थी। ठीक है, ये नाम याद रखना। ठीक है, फिर एक फेमस राजा भी थे विजयनगर के, कृष्णदेव राय, तो वो उनके पैट्रोनाइजेशन से, उनके सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा विजयनगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा। ठीक है, और जो टेम्पल आर्किटेक्चर है विरूपक्ष टेम्पल, वो भी इसी समय पर बना था। ठीक है, और जितनी भी आप पेंटिंग्स देखोगे, ठीक है, विजयनगर के समय की, विजयनगर पेंटिंग्स की, तो विरूपक्ष टेम्पल में और लिपाक्षी टेम्पल में आपको ये मुरैल पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। लिपाक्षी के ऊपर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो फोटोज हैं स्पेसिफिकली, ये एनसीईआरटी का ही मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाला है। ये जो फोटो है ये एनसीईआरटी का ही फोटो है। इसमें सीधे ये दिया था कि 4-5 ऑप्शन दिए थे कौन सा मुरैल पेंटिंग के लिए फेमस है, और ये नाम दिया हुआ था लिपाक्षी। ठीक है, तो ये वैसे कहीं भी बुक में नहीं दिया है, सिर्फ फोटो में दिया है। तो लिपाक्षी टेम्पल इज फेमस फॉर मुरैल पेंटिंग, और लिपाक्षी टेम्पल बिलोंग्स टू विजयनगर पीरियड। और आप देखोगे विजयनगर मुरैल्स में आपको जनरली जो थीम है, यानी होता ना कि एक सब्जेक्ट जिस टॉपिक के ऊपर पेंटिंग्स बनी है, वो जनरली वो टॉपिक्स आपको महाभारत और रामायण की पेंटिंग्स, जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर आपको ये पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो विजयनगर मुरैल के बारे में देखते हैं। तो लिपाक्षी टेम्पल ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड मंदिर है, और यहाँ पर आपको इसकी दीवारों पे, जो शिव का मंदिर है उसकी दीवारों पे आपको ये पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर हम उसके फीचर्स की बात करें तो आप ये पेंटिंग देख सकते हो, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसके फीचर्स को याद रखना। ठीक है, बस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इतना ज़्यादा कोई आपको आर्टिस्ट तो बनना नहीं है कि आप यू आर एबल टू डिफाइन कि किस तरीके की पेंटिंग थी। ठीक है, और एक चीज़ ये याद रखना कि विजयनगर पेंटिंग से नायका पीरियड की जो पेंटिंग थी, यानी कि जो विजयनगर पेंटिंग के बाद की जो पेंटिंग का एरा आया, उस एरा को विजयनगर पेंटिंग ने इन्फ्लुएंस किया था। ये चीज़ याद रखने वाली है, यानी कि नायका पेंटिंग को विजयनगर पेंटिंग ने, यानी विजय ने नायक को इन्फ्लुएंस किया था
ये चीज याद रखिए, ठीक है। चलिए तो नायका भी खत्म कर ही दूं क्या? नायका भी खत्म कर देता हूं, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो नायका पेंटिंग्स है ये विजयनगर की स्टाइल का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, मतलब समझ लीजिए कि विजयनगर की स्टाइल को पूरा चेप दिया गया है, ठीक है। चेप के एक नई स्टाइल बन गई नायका मुराल। अब भूख तो मुझे भी लग रही है दोस्त, बस लास्ट टॉपिक है, एक साइड और है, 5 मिनट का टाइम दो, ठीक है। तो वही सीधे से उसको चेप के नायका विजयनगर की स्टाइल को, विजयनगर की पेंटिंग स्टाइल को चेप के एक नई स्टाइल बना दी गई नायका मुराल। जैसे होता है ना कि हम चार आंसर देख के एक आंसर खड़ा कर देते हैं दूसरे का, तो उसको नायका मुराल कहते हैं। खैर एनीवेज, तो अगर हम बात करें तो टू डायमेंशनल फोटोज हैं इसमें और थोड़े बहुत आर्टिस्टिक डिफरेंस है, ये याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है। वैसे तो मैंने चीज़ें कवर की हैं कि हैवी एब्डोमेन था और विजयनगर में क्या डिफरेंस था, लेकिन ये सब इतना इतना ज़्यादा भी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाकी जगहों पे आप अपना टाइम और एनर्जी और ब्रेन इस्तेमाल करो तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। बस इतना याद रखना कि विजयनगर से इन्फ्लुएंस्ड नायका, ठीक है। फिर एक और बता दूं, शुड आई टीच वन मोर? केरला मुराल, चलो जितनी देर में पूछूंगा उतनी देर में मैं खत्म कर दूंगा। तो केरला मुराल के बारे में देख लेते, ठीक है। तो केरला मुराल शुरू हुई थी 16th-18th सेंचुरी में, यानी कि नायका पीरियड के बाद। तो एक काम करना, जब नोट्स बनाना तो एक टाइम पीरियड के हिसाब से पेंटिंग्स को लिख लेना, ठीक है। और नायका और विजयनगर के जो स्टाइल थी उसको कॉपी करके केरला मुराल की पेंटिंग्स बनी, ठीक है। और आप देखोगे कि बहुत सारी जो पेंटिंग्स है केरला मुराल की, उसमें आपको कथकली और ये जो डांस और बाकी सारी चीज़ें उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है। और सबसे खास बात यह है केरला मुराल के बारे में कि इसकी पेंटिंग्स 3-डायमेंशनल देखने को लगती है। आप अगर पुरानी पेंटिंग्स देखोगे तो ये जो नायका पेंटिंग्स है ये भी 2-डायमेंशनल दिख रही है, ठीक है। आपको आप विजयनगर की मुराल देखोगे तो ये भी 2-डायमेंशनल देखने को लग रहा है, लेकिन जब आप इन पेंटिंग्स की केरला मुराल की बात करोगे तो ये 3-डायमेंशनल देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि ये पूरा 3D में दिख रहा है, समझ रहे हैं, 3D चश्मा पहन के और हॉल में मूवी देख रहे हो ऐसा दिखाई देगा ये, ठीक है। और चलिए एनीवेज, लास्ट स्लाइड आज की। और इसकी थीम की बात करें तो आपको जितने भी माइथोलॉजिकल थीम्स है वो देखने को मिलती है, ठीक है। माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 2012 के मेंस में, कृष्णा प्लेइंग फ्लूट, तो ये भी आपको केरला मुराल में ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। जनरली आप इंडिया की जितनी भी पेंटिंग्स देखोगे उसमें जो थीम होता है वो जनरली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से ही होता है, चाहे महाभारत होगी, चाहे रामायण होगा, चाहे कृष्ण की लीला होगी। तो इन्हीं धार्मिक जो इंसिडेंसेस होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, जो स्टोरीज है, उसको इन पेंटिंग के थ्रू रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। फिर ओरल ट्रेडिशन और रामायण और महाभारत की कहानियों को रिफ्लेक्ट करने की ये पेंटिंग काम आती है। तो केरला मुराल के बारे में इतना ही याद रखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कुछ जो ये मंदिरों के नाम मैंने कुछ कवर किए हुए हैं पेंटिंग्स, ये कुछ मंदिरों के नाम है, कुछ पैलेसेस के नाम है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब पढ़ोगे भी तो भी याद रहेगा नहीं। अब कहाँ इतना पुंडरीकापुरम कहाँ याद रहेगा, पनरकावू एक बार में जो पढ़ा नहीं जा रहा वो याद क्या रहेगा। तो इसको इतना ध्यान में मत रखना, बस ये याद रखना कि ये नायका और विजयनगर स्कूल से इंस्पायर्ड थी केरला मुराल, ठीक है। और वहाँ का जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है माइथोलॉजी उसको रिफ्लेक्ट करती है, और कथकली और बाकी के जो आर्ट ट्रेडिशन है केरला मुराल के उसको कवर करती है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, और ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो आप देख सकते हो यूट्यूब के चैनल पे, और वो अनअकैडमी के पे आप जाओगे तो वहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट कोर्सेज है। और स्पेसिफिकली अभी एक नया सिस्टम शुरू हुआ है अनअकैडमी प्लस टैब पे कि आप एक बार में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आप किसी भी एजुकेटर की कोर्सेज को देख सकते हो। पहले ये था कि हर इंडिविजुअल एजुकेटर के लिए आप अलग से कोर्सेज खरीदने पड़ते थे, नाउ यू कैन जस्ट टेक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। आप उस कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी अच्छे एजुकेटर्स हैं, सबके लेक्चर्स आप
देख सकते हो, इट्स लाइक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एक बार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन देख लिया तो आप उस पे हाउस ऑफ कार्ड्स देखो या आप उस पे कोई मूवी देखो, ठीक है, या सेक्रेट गेम्स देखो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब एक ही जैसा है, ठीक है। तो इट्स टोटली लाइक वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी इजी टू यूज़, तो प्लीज़ डू यूज़ ऑल दीज थिंग्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गो टू माई प्रोफाइल एंड वॉच वेरी इंपॉर्टेंट कोर्सेज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई कोर्सेज एज वेल। मेरी प्रोफाइल को जरूर फॉलो करना, जस्ट टाइप शुभम सिंह इन द सर्च बॉक्स ऑफ Unacademy Plus tab or website, and from there you can access my profile and follow my profile as well. And don't forget to share these courses with your friends and like, share and comment. So thank you dosto, thanks for watching, signing off, and looking forward to host you again in the next class. Next class mein hum miniature paintings ke bare mein cover karenge, so next class is very important. Jab bhi notification milegi to please do come and flock here and we'll have a great learning session ahead. So miss mat karna, because half knowledge is dangerous. तो अगर मुराल पता चल गया, मिनिएचर नहीं पता चली, देन इट्स इट लाइक स्क्वायर डाउन टू जीरो। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हैव डिनर एंड स्लीप टाइट एंड वेल।